एक्चुअली साकेत वैसे भी उनको पता नहीं है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, तो उनको बात करने की वैसे भी तमीज़ नहीं है लड़कियों से, और ऊपर से क्योंकि वो ऐसे पार्टी में आए हैं जहाँ पर उनके अजीब टाइप के फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ड्रिंक भी की हुई है, तो ऑफ कोर्स वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर रहे हैं और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। बट समहाउ रवि पार्टी में आ गया और उसको देख के मुझे ऐसा होता है ना, जब सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट वैसे टाइप के लोग हो जिनके साथ तुम नहीं रहना चाहते, उनके बीच में कोई ऐसा आ जाए जिसको देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगे, तो आई एम स्टिल फीलिंग बेटर रवि को देख देख के। और रवि की एंट्री जहाँ तो नहीं है, मेरी जो बॉस है वो मुझे यहाँ पर लेकर आई है नीचा दिखाने के लिए सबके सामने कि मैं एक बहुत ही छोटे किस्म का एम्प्लॉय हूँ, जो कि तो मेरी पूरी बजा रही है बैंड, और उस बैंड अपनी बैंड बजवाते बजवाते देखता हूँ कि देविका ऐसी पार्टी में है साकेत के साथ, जैसा कि आप सबने देखा, और किस तरह वो देविका के साथ बदतमीजी के साथ डांस कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, और क्योंकि ऑफकोर्स रवि को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि देविका रवि की बहुत अच्छी दोस्त है। ऑफकोर्स बजाने के लिए जाऊँगा ना, क्या करने जा रहे तो मुझे मालूम नहीं, करने जा रहे ये भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ गलत ही प्लान किया होगा, तो उस गलत चीज़ को हम कहते हैं ना रोकना चाहता हूँ कि वो गलत चीज़ कुछ ना हो देविका के साथ, तो क्योंकि देविका की आंखों में जो खुशी है वो बरकरार रहे, यही रहा रवि चाहता है बस। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं रखते हैं धीरे धीरे, जान रहे एक दूसरे को एंड एक दूसरे की अच्छाइयाँ पता चल रही हैं, तो ऑफकोर्स अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, टाइम विल टेल। टाइम विल टेल क्या होगा, मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी आगे चल के, या फिर